हेलो दोस्तों, नॉलेज दुनिया में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा चैनल हमेशा कोई नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपसे शेयर करता है। आज भी हम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे जीव जंतुओं के बारे में बताएंगे जो एक ही प्रजाति के तो होते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। तो आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। क्रोकोडाइल वर्सेस एलिगेटर। क्रोकोडाइल्स का जबड़ा बड़ा और वी शेप का होता है और इनका रंग भी हल्का होता है। ये पानी और जमीन दोनों पर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मूव कर सकते हैं। क्रोकोडाइल की लंबाई लगभग 20 फीट 3 इंच यानी कि 6.2 मीटर होती है और इनका वजन 1075 केजी होता है। ये बहुत ही आक्रामक होते हैं और इंसानों पर हमला करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकते। वहीं एलिगेटर की बात करें, एलिगेटर का जबड़ा छोटा और यू शेप का होता है और इनका रंग भी गहरा होता है और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। उनकी लंबाई 14 फीट 8 इंच के आसपास यानी 4.8 मीटर होती है और इनका वजन लगभग 400 किलोग्राम होता है। ये भी क्रोकोडाइल की तरह आक्रामक तो जरूर होते हैं, लेकिन इंसानों के सामने आने से डरते हैं और शायद ही कभी इंसानों पे हमला करते हैं। जैगुआर वर्सेस लेपर्ड। दोस्तों, अक्सर हम लोग जैगुआर और लेपर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से दोनों को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। गाइस, जैगुआर का बॉडी पैटर्न काफी बड़ा होता है और इनके बीच में डॉट के रूप में धब्बे भी होते हैं। वहीं लेपर्ड का बॉडी पैटर्न छोटा होता है और कोई डॉट के निशान नहीं होते हैं। जैगुआर सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, वहीं लेपर्ड अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। जैगुआर के शरीर का साइज 5 फुट 6 इंच होता है और उनका वजन लगभग 100 किलो होता है। वहीं लेपर्ड के शरीर का साइज 5 फीट होता है और इनका वजन सिर्फ 70 किलो होता है। जैगुआर की इंटेलिजेंस और स्टेमिना की बात करें तो लेपर्ड काफी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनका स्टेमिना काफी कम होता है शिकार करने के मामले में। टर्टल वर्सेस टॉर्टस। दोस्तों, ये दोनों ही यानी टर्टल और टॉर्टस एक रेप्टाइल एनिमल होते हैं, पर इन दोनों में काफी डिफरेंसेस भी होते हैं जो आज हम आपको बताएंगे। टर्टल आपको पानी के आसपास ही दिखेगा क्योंकि वो ज्यादातर पानी में रहना ही पसंद करते हैं और कभी कभी ही जमीन पर आते हैं। वहीं बात करें टॉर्टस की तो वो अक्सर जमीन पर रहते हैं और प्यास लगने पर या फिर नहाने के लिए ही पानी में जाते हैं। टर्टल का शेल फ्लैट थिन और लाइट होता है ताकि उनको पानी में तैरने में दिक्कत ना हो। वहीं टॉर्टस की शेल थिक डोम शेप्ड और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि उनका ज्यादातर समय जमीन पर बीतता है और उनका शेल उनको उनके शिकारियों से बचाने में मदद करता है। हालांकि दोनों ही टर्टल और टॉर्टस लंबे समय तक जीते हैं। टर्टल 20 साल से लेकर 40 साल तक जीता है, वहीं टॉर्टस 80 साल से लेकर 150 साल तक जीता है। मॉथ्स वर्सेस बटरफ्लाईज। दोस्तों, मॉथ्स और बटरफ्लाईज दोनों ही लेपिडॉप्टरा गण से बिलोंग करते हैं। इन दोनों में डिफरेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका है इनके एंटीनाज। बटरफ्लाई का एंटीना लंबा, पतला और क्लब शेप्ड का होता है विद अ बल्ब लाइक शेप इन द एंड। वहीं मॉथ का एंटीना छोटा, फेदरी और सॉ एज्ड का होता है। बटरफ्लाईज अक्सर आराम करने के समय अपने पंख को वर्टिकली बंद कर देते हैं, वहीं मॉथ्स अपने पंख को खोल के आराम करते हैं। बटरफ्लाईज डायर्नल होती हैं, यानी दिन के समय ही अपने खाने के लिए निकलती हैं और वो एक शाइनी क्रिजलिस बनाती हैं। वहीं मॉथ्स नॉक्टर्नल यानी रात के समय निकलते हैं और वो सिल्की ककून बनाते हैं। गोट वर्सेस शीप। दोस्तों, हम दोनों को ही गोट और शीप को अक्सर अपने चारों तरफ देखते हैं, तो चलिए आज इनके डिफरेंसेस के बारे में भी हम जानते हैं। गोट काप्रा हिरकस की प्रजातियों की होती हैं और इनके 60 क्रोमोसोम्स होते हैं। वहीं शीप ओवस एरीज प्रजाति की होती हैं और इनके 54 क्रोमोसोम्स होते हैं। गोट दिखने में स्लेंडर होते हैं यानी थोड़े पतले होते हैं और दोनों मेल और फीमेल की बियर्ड होती है।
अगर शीप की बात करें तो शीप दिखने में टबियर यानी कि मोटे और शॉर्ट होते हैं। गोट काफी जिज्ञासु नेचर के जीव हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। वहीं शीप झुंड में रहना पसंद करती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे गर्म कपड़े जो कि वूल से बनते हैं वो आती है शीप से। रैबिट वर्सेस हेयर। कुछ लोग अभी तक यही सोचते होंगे कि रैबिट और हेयर एक ही होते हैं, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हालांकि दिखने में ये काफी कुछ एक जैसे हैं, और वो इसीलिए क्योंकि ये एक ही मैमल फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका नाम लाकोमोर्फा है। और अगर इन दोनों में असमानताएं की बात करें तो रैबिट जब जन्म लेता है तो वो ब्लाइंड और बिना बाल के होता है और अपनी माँ पर काफी डिपेंड रहता है। वहीं हेयर आई साइट और फर के साथ जन्म लेता है और कुछ घंटे में ही चलने लग जाता है। हेयर के कान और पैर दोनों ही बहुत बड़े होते हैं और उसके कान में कुछ काले दाग भी मिलेंगे। वहीं रैबिट के कान और पैर दोनों ही बहुत छोटे होते हैं। रैबिट कई साल एक ही रंग में रहता है, लेकिन हेयर अपने रंग को बदलता रहता है, जैसे गर्मी में ग्रे और विंटर में वाइट। और यकीन मानिए रैबिट और हेयर का खाना भी अलग होता है। रैबिट अक्सर नरम घास या सब्जी जैसे कि गाजर खाता है, वहीं हेयर बॉक्स और ट्विक्स खाना पसंद करता है। रैबिट अपने घर जमीन के अंदर बनाते हैं, पर हेयर अपना सारा जीवन जमीन के ऊपर ही बिताते हैं। वास्प्स वर्सेस हनीबीज। हालांकि वास्प और हनीबीज हाई मेनोप्ट्रा कीड़ों में आते हैं, लेकिन इन दोनों में काफी अंतर होता है। हनीबीज के शरीर पर काफी बाल होते हैं और उनके शरीर का रंग गोल्डन ब्राउनिश ब्लैक होता है और उनके डंक येलो नहीं तो ऑरेंज रंग के होते हैं। वहीं वास्प्स का स्किन बहुत ही स्मूथ और शाइनी होता है और उनका रंग येलो और ब्राउन होता है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जो शहद हम इतने स्वाद से खाते हैं दोस्तों, वो हमें मिलता है हनीबीज की मेहनत के कारण। अगर हम इन दोनों के डंक की बात करें तो हनीबीज एक ही बार डंक मार सकती है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं वास्प जितनी बार चाहे डंक मार सकती है। हनीबीज की कॉलोनीज में उनकी जनसंख्या 75,000 तक होती है, वहीं वास्प की कॉलोनीज में उनकी जनसंख्या 10,000 तक होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने कमेंट्स और सजेशंस हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी करें। और ऐसी ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तों हम आपके सामने जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।